सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपको कामदा एकादशी श्रावण कृष्ण पक्ष की पूरी कथा इस वीडियो के माध्यम से सुनाने वाला हूँ। तो कथा को शुरू करते हैं। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की सविस्तार कथा सुनाइए। उस एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है, उसमें कौन से देवता की पूजा होती है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एकादशी की कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोक हित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने पूछा कि पितामह, आज मेरी श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अंत अब आप एकादशी की व्रत कथा विधि सहित सुनाइए। भीष्म पितामह नारद जी के वचनों को सुनकर बोले, हे नारद जी, आपने मुझसे यह अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है, अब आप ध्यान लगाकर सुनिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा कामदा एकादशी। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामदा एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल मिलता है। यही फल सूर्य चंद्र ग्रहण केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है। श्री विष्णु भगवान के पूजन का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने और सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। वैतिपात में गंडक नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। भगवान विष्णु की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अंत भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल मिलता है, वह फल कामदा एकादशी के व्रत से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करते हैं तथा विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उसे समस्त वेद नाग किन्नर प्रित आदि की पूजा हो जाती है। हे नारद, सवय भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को अधातम्य विद्या से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल कामदा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नर के दर्शन नहीं करता है। कामदा एकादशी के व्रत तथा रात्रि के जागरण से मनुष्य को कुयोनि नहीं मिलती और अंत में वह स्वर्ग लोक को जाता है। जो उत्तम मनुष्य श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी को तुलसी से भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इससे इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल एक भार स्वर्ण और एक भार चांदी के दान के फल के बराबर है। श्री विष्णु भगवान रतन मोती मणि आभूषण आदि की अपेक्षा
तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी की भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं उनके पृत्त स्वर्ग लोग में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। इस व्रत के कहने से ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या आदि सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे इस लोक में सुख भोगकर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामदा एकादशी के महातव्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को जाते हैं। अब मैं आपको इस का कथा सार सुनाने वाला हूँ। भगवान विष्णु सर्वोपरि है, वे अपने भक्तों की निश्चल भक्ति से सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी भगवान विष्णु की प्रिया है। भगवान हीरे मोती सोना चांदी से इतने प्रसन्न नहीं होते जितनी प्रसन्नता उन्हें तुलसी अर्पण करने पर होती है। तो कथा सार से आपको एकदम स्पष्ट समझ में आया होगा, भगवान विष्णु को केवल एक तुलसी जी को तुलसी जी का भोग लगाने से ही प्रसन्नता हो जाती है। तो अगले वीडियो में अगली एकादशी महात्म्य के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे।